फाइनली टैलेंट एक्स 2023 का अनाउंसमेंट हो चुका है। जो भी स्टूडेंट अपने आप को नेशनल लेवल पे जज करना चाहते हैं कि वो कहाँ पे स्टे करते हैं, तो इस एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट करके अपने आप को इंडिया लेवल पे जज कर सकते हैं कि ऑल इंडिया लेवल पर आप पर्टिकुलर क्लास में कहाँ पे स्टे करते हैं। इसमें आपको ऑल इंडिया रैंक भी दिया जाएगा, जोनल रैंक भी दिया जाएगा, स्टेट रैंक भी दिया जाएगा, ताकि आप अपने आप को जज कर पाए पर्टिकुलर लेवल पर आप कहाँ पे स्टे करते हैं अपनी क्लास में। इसके अलावा काफ़ी सारे बेनिफिट्स है, स्कॉलरशिप भी दी जाती है अप टू 90% तक ऑन द बेसिस ऑफ टैलेंट एक्स 2023 एग्जामिनेशन। उसी के साथ साथ कैश रिवॉर्ड्स भी दिए जाते हैं, वो भी अप टू 1 लाख तक के रहते हैं, और काफी सारे और भी बेनिफिट्स है जो कि आगे वीडियो में आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि इस वीडियो में हम लोग कौन कौन से पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख सकते हैं टैलेंट एक्स 2023 एग्जामिनेशन कितने स्टेज में कंडक्ट होने वाला है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, मार्किंग स्कीम क्या रहेगा, एग्जामिनेशन का पैटर्न एंड सब्जेक्ट्स क्या रहेंगे, टॉपिक वाइज सिलेबस भी आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ, और लास्ट में आपको ये भी गाइड करूंगा कि एग्जामिनेशन के लिए आपको अप्लाई कैसे करना है। तो चलिए विदाउट डिले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पर अप टू 90% तक का स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि टैलेंट एक्स 2023 के परफॉर्मेंस के बेसिस पर रहेगा। उसके बाद जो है यहाँ पर आपको अप टू 1 लाख तक का जो है वो कैश रिवॉर्ड जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि यहाँ पर क्लास के हिसाब से यहाँ पर थोड़ा सा डिफर करता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं क्लास 10th में आपको 1 लाख रुपीज तक का कैश रिवॉर्ड दिया गया है, जो कि फर्स्ट रैंक होल्डर को दिया जाएगा। उसके बाद 75,000 जो कि रहेगा, जो कि टॉप 2 से लेकर के 5 रैंक तक के जो स्टूडेंट रहेंगे उनको दिया जाएगा क्लास 10th के। इसी तरीके से जो 6th to 10th रैंक होल्डर्स रहेंगे उनको 50,000 रुपीज तक का कैश रिवॉर्ड दिया जाएगा क्लास 10th के जो स्टूडेंट रहेंगे। इसी तरीके से 8,000, 7,500, 3,000, 2,000 एंड 1,000 रुपीज तक का कैश रिवॉर्ड दिए जाएंगे रैंक के अकॉर्डिंग, राइट, वो क्लास 10th के रहेंगे। इसी तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं क्लास 9th का भी दिया गया है, क्लास 8th का भी है। इसी तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं क्लास 5th, 6th और 7th क्लास के जो रैंक होल्डर्स रहेंगे उनको भी यहाँ पर अपनी रैंक के हिसाब से कैश रिवॉर्ड्स दिए जाएंगे, राइट। उसके बाद आपको यहाँ पर एक और बेनिफिट मिलता है, कॉम्पिटिटिव सक्सेस इंडेक्स यानी कि CSI। कॉम्पिटिटिव सक्सेस इंडेक्स का मतलब ये होता है कि आप फ्यूचर में रिसर्च एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, या फिर इंजीनियरिंग फील्ड में जाते हैं, या फिर मेडिकल फील्ड में जाते हैं, तो उसमें आपका सक्सेस रेशियो क्या रह सकता है, उसका यहाँ पर आपको एक क्यूमुलेटिव सक्सेस इंडेक्स दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपको दिया गया है KVPY एग्जामिनेशन, जो कि क्लास 11, 12 और ड्रॉपर स्टूडेंट जो रहते हैं वो इस एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर बताया गया है कि आपका स्कोर 8 या 8 से ज़्यादा बनता है तो आपका जो सक्सेस रेशियो है जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेटर रहता है KVPY एग्जामिनेशन के लिए। इसी तरीके से इंजीनियरिंग के लिए भी बताया गया है कि इंजीनियरिंग में अगर आप JEE मेन प्लस एडवांस के एग्जामिनेशन देते हैं तो उसमें आपका सक्सेस रेशियो क्या बन सकता है, उसका भी प्रेडिक्शन यहाँ पर दिया गया है। सेम इसी तरीके से मेडिकल का भी दिया गया है, अगर आप मेडिकल में पार्टिसिपेट करते हैं नीट UG एग्जामिनेशन के लिए तो उसमें आपका सक्सेस रेशियो क्या रह सकता है, उसका भी एक यहाँ पर आपको प्रेडिक्शन दिया जाता है, तो वो आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है, राइट। इसी के साथ साथ जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आपको ऑल इंडिया रैंक पे भी आपको कहाँ पे स्टे करते हैं वो भी आपको यहाँ पे बताया जाएगा, जोनल रैंक भी आपको बताया जाएगा, और इसी तरीके से स्टेट लेवल पे आप कहाँ पे स्टे करते हैं वो भी आपको यहाँ पर बताया जाएगा पर्टिकुलर आपकी क्लास के हिसाब से, राइट। इसी तरीके से आपके एग्जामिनेशन का आपको यहाँ पर स्कोर कार्ड भी दिया जाएगा, जिसमें आप अपने स्कोर कार्ड को चेक कर पाएंगे कि आप किस लेवल पे स्टे करते हैं और आपका स्कोर क्या बना है, राइट। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर बताया गया 2022 के टैलेंट एक्स का स्कोर कार्ड के एग्जांपल के तौर पे, तो यहाँ पे बताया जाएगा टोटल मार्क्स आपके कितने थे पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, मेंटल एबिलिटी, और लास्ट में टोटल मार्क्स आपको यहाँ पर बताए जाएंगे, राइट। तो यहाँ पर आपके टोटल मार्क्स बताए जाएंगे, उसके बाद आपको एवरेज स्कोर बताया जाएगा कि पर्टिकुलर आपकी ही क्लास में एवरेज स्कोर क्या रहा था दूसरे स्टूडेंट्स का, राइट। उसके बाद यहाँ पर आपका हाईएस्ट स्कोर भी बताया जाएगा कि आपके पर्टिकुलर क्लास में हाईएस्ट स्कोर कितना गया था। उसके बाद एक और चीज़ यहाँ पर बताया जाएगा कि आपका स्कोर पर्टिकुलर सब्जेक्ट में क्या बना है। उसके बाद आपका योर परसेंटेज यानी कि आपका परसेंटेज आपका फिजिक्स सब्जेक्ट में क्या बना है वो भी बताया जाएगा। उसके बाद आपका परसेंटाइल क्या बनता है पर्टिकुलर सब्जेक्ट में वो भी आपका यहाँ पर बताया जाएगा, राइट। इसी तरीके से पर्टिकुलर सब्जेक्ट का भी बताया जाएगा और टोटल भी बताया जाएगा कि आपका टोटल स्कोर क्या बनता है, आपका हाईएस्ट स्कोर क्या बनता है, आपका एवरेज स्कोर क्या बनता है, वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर बताई जाएगी स्कोर कार्ड में, राइट। उसी के साथ साथ आपको यहाँ पर एक और चीज़ ग्राफिक्स के थ्रू बताई जाएगा योर स्कोर्स वर्सेस एवरेज स्कोर, जिसमें आप ग्राफिक के थ्रू भी आप चेकआउट कर पाएंगे कि आपका स्कोर जो है वो ग्राफिक के फॉर्म में क्या बनता है। तो दोस्तों डेफिनेटली ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है ये स्कोर कार्ड,
राइट। उसके बाद उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको यहाँ पर देखने मिलेगा, परफॉर्मेंस एनालिसिस। ये आपको किसी भी इंस्टीट्यूट की ओर से आपको शायद कहीं पे भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, जो कि एलन केर इंस्टीट्यूट कोटा की ओर से आपको टैलेंटिक्स 2023 के एग्जामिनेशन में एक परफॉर्मेंस एनालिसिस रिपोर्ट दिया जाता है, जिसमें आपको नंबर के फॉर्म में भी बताया जाता है और ग्राफिक के फॉर्म में भी बताया जाता है कि आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, पर्टिकुलर टॉपिक में किस लेवल पे स्टे करते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। तो फॉर एग्जांपल हम लोग फिजिक्स की बात करते हैं, तो फिजिक्स में आपका जो साउंड सब्जेक्ट है उसमें आप कितने लेवल पे स्टे करते हैं उसका यहाँ पर आपको ग्राफिक्स के तौर में इंडिकेशन आपको यहाँ पर दिया गया है। फॉर एग्जांपल अगर आप स्ट्रॉन्ग या पर्टिकुलर टॉपिक में है तो यहाँ पर आपका इस कलर में आपको यहाँ पर इंडिकेट किया जाएगा। अगर आप एवरेज में है तो आपको यहाँ पर ग्रे कलर में इंडिकेट किया जाएगा। अगर आप वीक है तो यहाँ पर आपको मैजेंटा कलर में इंडिकेट किया जाएगा, यहाँ जैसे कि यहाँ पर ग्रेविटेशन में बताया गया है। और आपको यहाँ पर और भी ज़्यादा वीक है अगर आप किसी टॉपिक में तो ऑरेंज कलर में आपको यहाँ पर इंडिकेट किया जाएगा। तो इससे आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, आप पर्टिकुलर टॉपिक में कितने वीक है, कितने स्ट्रॉन्ग है, कितने एवरेज लेवल पे स्टे करते हैं उसका इंडिकेशन आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर इंडिकेशन के मुताबिक आप पर्टिकुलर उसी सब्जेक्ट में, उसी टॉपिक पे और ज़्यादा मेहनत भी कर सकते हैं और आपको ये भी पता लग जाएगा कि आप किस टॉपिक में कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ये एनालिसिस जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है इस एग्जामिनेशन के लिए। तो अगर आप एलएन में एडमिशन लेना चाहते हैं या नहीं भी लेना चाहते तो इस एग्जामिनेशन के एनालिसिस के लिए आप इस एग्जामिनेशन में जरूर से पार्टिसिपेट करिएगा, ये आप सभी को मेरा एडवाइस रहेगा, राइट। उसके बाद यहाँ पर आपको बताया गया कि इस एग्जामिनेशन का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। करंटली 2022 में जो स्टूडेंट क्लास 5th, 6th, 7th, 8th, 9th एंड 10th में पढ़ रहे हैं वो स्टूडेंट टैलेंटिक्स 2023 के एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, चाहे वो एलएन के स्टूडेंट है या फिर नॉन एलएन स्टूडेंट है, वो भी इस एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके बाद बताया गया है एग्जामिनेशन जो है वो आपका टोटली ऑफलाइन मोड में ही कंडक्ट होने वाला है, जो कि एलएन के एग्जामिनेशन सेंटर्स में या फिर इंफॉर्मेशन सेंटर सिटीज में ही आपका एग्जामिनेशन जो है वो कंडक्ट होने वाला है। उसके अलावा इंग्लिश मीडियम में ही आपका एग्जामिनेशन जो है वो कंडक्ट होने वाला है। उसके अलावा 2 घंटे में आपका एग्जामिनेशन जो है वो कंप्लीट होने वाला है, राइट। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं मार्किंग स्कीम आपका क्या रहेगा। तो यहाँ पर क्लास 5th, 6th एंड 7th में ईच करेक्ट क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स रहेगा और नेगेटिव मार्किंग आपका नहीं रहेगा क्लास 5th, 6th और 7th में, राइट। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं क्लास 8th, 9th और 10th का। तो यहाँ पर ईच करेक्ट आंसर आपका 4 मार्क्स का रहेगा और यहाँ पर आपका -1 आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगा, यानी कि अगर आपका कोई भी आंसर गलत होता है तो 1 मार्क्स जो है वो आपका डिडक्ट किया जाएगा। क्लास 8th, 9th और 10th में नेगेटिव मार्किंग रहेगा, इस चीज़ का आपको खास अच्छे से ध्यान रखना है, राइट। उसके बाद पैटर्न की बात करें क्वेश्चन के, तो यहाँ पर आपको टोटल 80 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि MCQ टाइप के रहेंगे। लेकिन उसके बाद बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न और सब्जेक्ट की, तो यहाँ पर क्लास के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। क्लास 5th, 6th एंड 7th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स और IQ का सब्जेक्ट रहेगा, जिसमें क्वेश्चन को बायफर्केट किया गया है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में 11-11 क्वेश्चन रहेंगे, मैथमेटिक्स में 25 और IQ में 22 क्वेश्चन रहेंगे। इसी तरीके से क्लास 8th, 9th और 10th के एग्जाम पैटर्न को यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स और IQ, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स में इस सब्जेक्ट 15-15 क्वेश्चंस रहेंगे और IQ में आपके 20 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे पूछे जाएंगे। सिलेबस की बात करते हैं तो सिलेबस आपका टोटली NCERT बेस्ड रहेगा, जिसमें आपको प्रीवियस और करंट क्लास का जो सिलेबस है वो आपको फॉलो करना रहेगा। उसी के साथ साथ यहाँ पर मैं आपको सिलेबस भी अलग से मैं आपको कम्युनिटी टैब में अपडेट कर दूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर से रखिएगा ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे, राइट। उसके बाद बात कर लेते हैं कि एग्जामिनेशन डेट्स क्या रहेगी। तो यहाँ पर आपको 2 डेट एग्जामिनेशन की दी गई है, वो भी आपको जोन के हिसाब से ही आपको फॉलो करनी रहेगी। पहली जो एग्जामिनेशन की डेट है वो 9th ऑफ अक्टूबर 2022 संडे के दिन एग्जामिनेशन कंडक्ट होने वाला है, जिसमें जोन दिया गया है S चंद्रशेखर, HD खोराना और HD बाबा जोन, राइट। और इसका लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन रहेगा 30th ऑफ सितंबर 2022 और सेकेंड एग्जामिनेशन का डेट है वो 16th ऑफ अक्टूबर 2022 रहेगा, संडे के दिन एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा। और इसके जोन रहेंगे SS अभियंकर, चाणक्य, S रामानुजन और JC बोस जोन। इसके भी लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन रहेगा 30th ऑफ सितंबर 2022। सो फाइनली बात कर लेते हैं इसका आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, जिसका आपको 300 रुपीज़ पेमेंट करना रहेगा ऑनलाइन या फिर आप ऑफलाइन मोड में आप पेमेंट कर सकते हैं। ऑनलाइन के लिए आप ये नेक्स्ट वाला वीडियो देख सकते हैं, जिसमें आपको टोटली मैंने आपको गाइड किया है कि ऑनलाइन आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। और ऑफलाइन के लिए आप एलएन के किसी भी रिस्पेक्टिव सेंटर पर जाकर के इसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिएगा मेरे साथ टॉपर स्टॉक में।